नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांतों के विषय में कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, और आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है विकास की अवस्थाएँ। दोस्तों, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि रोज के अनुसार कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था नहीं है, कॉल सैनिक के अनुसार कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था नहीं है। तो यहाँ हम आज उनको इस प्रकार से आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग है हमारा विकास की अवस्थाएँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले एक विद्वान है जिनका नाम शैले है। दोस्तों, सेले कहते हैं कि विकास की अवस्थाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेले देर आर थ्री स्टेजेस, तीन अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो तीन अवस्थाएं हैं, तो उसमें पहली अवस्था है दोस्तों, वो है आपकी शैशवावस्था। वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो शैशवावस्था है। ठीक है, ये शैशवावस्था का जो टाइम उन्होंने माना है, वो माना है जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक। ये बात चल रही है शैले की। शैले कहते हैं कि अवस्थाएं तीन होती हैं, पहली शैशवावस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था होती है, और तीसरी किशोरावस्था होती है। और यहाँ उन्होंने कहा कि शैशवावस्था का जो समय है, जो एज, जो उनका टाइम पीरियड है, वो है बाय बर्थ से लेकर के 5 वर्ष तक, मतलब कि 0 से लेकर के 5 साल का जो समय है उसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है, और 6 से लेकर के 12 साल का जो समय है दोस्तों, उसे बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है शैले के अनुसार। इसी प्रकार किशोरावस्था के लिए शैले ने कहा है कि किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। कहां तक होती है दोस्तों? 12 से 18 वर्ष तक क्या होती है किशोरावस्था, किसके अनुसार? शैले के अनुसार। तो शैले ने कहा कि तीन अवस्थाएं होती हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों रोज के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? रोज के अनुसार। तो रोज ने कहा कि अवस्थाएं तीन नहीं होती हैं, बल्कि 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। देखिए, पहली रोज ने बताई है शैशवावस्था, तो यहाँ शैले ने भी बताई शैशवावस्था, लेकिन उनका समय थोड़ा सा भिन्न है दोस्तों। यहाँ देखेंगे रोज कह रहे हैं कि शैशवावस्था जन्म से तो होती है, लेकिन वो 3 साल तक ही होती है। तो रोज के अनुसार शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, लेकिन वो जो होती है ना दोस्तों, वो होती है कहाँ से होती है? वो होती है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी अवस्था उन्होंने बताई है, मतलब कि बाल्यावस्था को रोस ने 2 भागों में बांट दिया है। पहली जो अवस्था है वो तो आपकी कौन सी है? बाल्यावस्था। वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आपने 2 बात कर दी है। एक तो है आपकी आरंभिक बाल्यावस्था। कौन सी बाल्यावस्था? आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था का समय आपने माना है 3 से 6 वर्ष तक दोस्तों। कौन सा माना है? 3 से 6 वर्ष का समय किसका माना है? आरंभिक बाल्यावस्था का। और बाल्यावस्था का जो दूसरा भाग है उसमें आपने माना है दोस्तों, उसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है दोस्तों, वो आपने माना है 6 से 12 वर्ष तक दोस्तों। वो आपने क्या माना है? 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष का समय आपने माना है किसका? उत्तर बाल्यावस्था का। और चौथी अवस्था जो आपने बताई है दोस्तों, वो आपने बताई है किशोरावस्था। वो आपने कौन सी बताई है? और शैले की भांति यहाँ भी इसका समय है दोस्तों 12 से 18 वर्ष। मतलब कि रोज और शैले दोनों इस बात को मानते हैं कि किशोरावस्था का जो समय है वो 12 से 18 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, तो शैले ने 3 अवस्थाएं बताई हैं और रोज ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था, किशोरावस्था है, और बीच की बाल्यावस्था को रोज ने 2 भागों में बांट दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जब कभी सवाल आए दोस्तों, तो रोज के अनुसार 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 4 अवस्थाएं। और शैले के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे कॉल सैनिक के अनुसार। कॉल सैनिक कहते हैं, है ना, कॉल सैनिक के अनुसार। तो कॉल सैनिक ने बताया है अपनी अवस्थाओं को, तो यहां आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 8 अवस्थाएं। कॉल सैनिक ने बाल विकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है दोस्तों। तो यहां अपन देख रहे हैं, सबसे पहली अवस्था जो कॉल सैनिक ने मानी है दोस्तों, वो मानी है भ्रूण अवस्था। वो कौन सी अवस्था मानी है दोस्तों? भ्रूण अवस्था मानी है। और भ्रूण अवस्था दोस्तों होती है जन्म पूर्व का काल।
गर्भावस्था को ही भ्रूणावस्था कहते हैं, ठीक है। और ये जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले का जो समय है, पहले का जो पीरियड है दोस्तों, वो कौन सा है? भ्रूणावस्था। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी अवस्था जो है उन्होंने कहा है कि ये नवशैशव काल होता है दोस्तों। ये कौन सा काल होता है? नवशैशव काल होता है। और ये नवशैशव जो काल है ना, ये जन्म से लगभग एक महीने तक होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? ये जन्म से एक महीने तक होता है, और उसके बाद में जो ये पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था। तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो शुरू होती है, उसका नाम है प्रारंभिक शैशवावस्था दोस्तों। क्या नाम है? प्रारंभिक शैशवावस्था। और इसका जो समय है दोस्तों वो है 1 से 15 माह, मतलब लगभग 1.5 साल का। कितना का? 1.5 साल का। एक महीने से लेकर के लगभग 1.5 साल का जो पीरियड माना है उन्होंने, वो कौन सा माना है? प्रारंभिक शैशवावस्था। फिर अगला जो है 14 अपन बात करें तो ये है आपकी उत्तर शैशवावस्था दोस्तों। ये कौन सी है? उत्तर शैशवावस्था, जो आपकी है 15 महीने से लगभग 30 महीने तक। तो 15 से 30 महीने का जो समय है दोस्तों, उसको अपन ने क्या माना है? उत्तर, अब उसको माना है अपन ने शैशवावस्था, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शैशवावस्था के आपने 3 भाग कर दिए हैं, नवशैशव, प्रारंभिक और उत्तर। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं, 5वीं अवस्था जो आपने बताई है दोस्तों, वो बताइए पूर्व बाल्यावस्था। वो कौन सी बताइए दोस्तों? आपने पूर्व बाल्यावस्था बताइए। और पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है ना दोस्तों, वो है यहाँ अपन देख सकते हैं 2 से 5 वर्ष है दोस्तों। वो कितना है? 2 से 5 वर्ष। ये किसका समय है? ये पूर्व बाल्यावस्था का। इसका मतलब ये है कि उत्तर जो शैशवावस्था है वो लगभग 2 वर्ष तक होती है दोस्तों। वो लगभग कहाँ तक होती है? 2 वर्ष तक होती है। मध्य बाल्यावस्था अगली जो अवस्था है दोस्तों, है ना, 6ठी जो अवस्था है वो मध्य बाल्यावस्था है, और ये है 6 से 9 वर्ष तक है। 6 से 9 वर्ष का समय किसके अनुसार? कौल सैनिक के अनुसार। कौन सी अवस्था? मध्य बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? मध्य बाल्यावस्था। 7वीं जो अवस्था है वो है उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों। वो कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। किसके अनुसार? कौल सैनिक के अनुसार। कौल सैनिक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 7वीं अवस्था है, और उसका समय है दोस्तों 9 से 12 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, क्या समय है उसका? 9 से 12 वर्ष का समय है। किसका दोस्तों? ये समय है आपका उत्तर बाल्यावस्था। किसके अनुसार है? कौल सैनिक के अनुसार। अब 8वीं और अंतिम जो अवस्था बताई है आपने, वो बताइए किशोर अवस्था दोस्तों। वो कौन सी बताइए? और ये आपने माना है 12 से 21 वर्ष को दोस्तों। ये किसको माना है आपने? 12 से 21 वर्ष को। तो ये 8 भागों में विभाजित किया अवस्थाओं को ये किया है कौल सैनिक ने दोस्तों। किसने किया है? कौल सैनिक ने। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, एक विद्वान और हैं जिनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। दोस्तों अवस्थाओं का सबसे प्रमाणिक जो वर्गीकरण माना जाता है वो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का ही माना जाता है। और रोस की भांति अर्नेस्ट जोन्स ने भी ये अवस्थाएँ जो बताई है ना दोस्तों, वो 4 बताई हैं। कितनी बताई है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जोन्स ने कहा है कि पहली जो अवस्था है ना दोस्तों, वो शैशवावस्था है। वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। और शैशवावस्था का जो समय है ना दोस्तों, वो माना है उन्होंने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। कहां से कहां तक माना है? अकॉर्डिंग टू जोन्स, जो इन्फेंसी का जो एज है, शैशवावस्था का जो एज है, वो 0 से 5 या जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे दोस्तों, दूसरी अवस्था उन्होंने मानी है आपकी बाल्यावस्था। कौन सी मानी है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो समय है ना दोस्तों, वो माना है उन्होंने 6 से 12 वर्ष। कौन सा माना है उन्होंने? 6 से 12 वर्ष का समय माना है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था। तीसरी कौन सी है? किशोर अवस्था। यह समय है 12 से 18 वर्ष। ये कौन सा समय है दोस्तों? 12 से 18 वर्ष। और चौथी जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है। वो कौन सी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था। और उसका समय है 19 वर्ष के बाद। उसका समय क्या है? 19 वर्ष के बाद। तो दोस्तों ये जो मुख्य आपके वर्गीकरण हैं, जो आपको अच्छी जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें मिल जाते हैं, और उन पर से कई बार सवाल आ जाता है, तो ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का है, और इसके बाद की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो उनका वर्गीकरण बताया है, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएँ, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करें अगर आपको उसमें कोई सुझाव देना हो तो, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।